देश टीवी की प्रस्तुति गवाह तारीख में देखते हैं आज का इतिहास। 27 अगस्त के इतिहास में कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं जिनमें 27 अगस्त 1604 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आदि गुरु ग्रंथ साहब की प्रतिस्थापना की गई थी। वर्ष 1781 में आज ही के दिन 27 अगस्त को हैदर अली ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ पल्लेलोर का युद्ध लड़ा था। आज ही के दिन 27 अगस्त को 1859 में टाटा स्टील की नींव रखने वाले दोराबजी टाटा का जन्म हुआ था। 27 अगस्त 1907 को क्रिकेट के सूरमा सर डॉन जॉर्ज ब्रैडमैन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 27 अगस्त 1922 को जापानी प्रधानमंत्री सोसुक उनो का जन्म हुआ था। वर्ष 1939 में आज ही के दिन 27 अगस्त को जेट ईंधन वाले विश्व के पहले विमान ने जर्मनी से पहली उड़ान भरी थी। वर्ष 1950 को टेलीविज़न की दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन यानी 27 अगस्त को बीबीसी ने पहली बार स्थल आधारित सीधा प्रसारण किया था। प्रसारण की योजना बनाने के लिए 2 महीने से भी ज़्यादा का समय लगा था। 27 अगस्त 1962 को नासा ने मैरिनर 2 स्पेस मिशन लॉन्च किया था। आज ही के दिन 27 अगस्त 1963 को खाकसार आंदोलन के जनक और पाकिस्तान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति इनायतुल्ला खान मशरकी का निधन हुआ था। 27 अगस्त 1972 को भारतीय प्रोफेशनल रेसलर और लिफ्टर दलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली का जन्म हुआ था। आज के दिन 27 अगस्त 1976 को भारतीय सशस्त्र सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जनरल जी अली राम मिलिट्री नर्सिंग सेवा की निदेशक नियुक्त हुई थी। आज के दिन 27 अगस्त 1976 को भारतीय फिल्म के पार्श्वगायक मुकेश का निधन हुआ था। वर्ष 1979 में आज ही के दिन 27 अगस्त को ब्रिटिश राजनेता नौसेना प्रमुख और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का निधन हुआ था। आज ही के दिन यानी 27 अगस्त 1985 को नाइजीरिया में सैनिक क्रांति में मेजर जनरल मोहम्मद बुहारी की सरकार का तख्ता पलटा गया और जनरल इब्राहिम बावनगीदा नए सैनिक शासक बने। वर्ष 1999 में आज ही के दिन यानी 27 अगस्त को सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मैरिन इंजीनियर बनी। वर्ष 1999 में ही आज ही के दिन 27 अगस्त को भारत ने कारगिल संघर्ष के दौरान अपने यहां बंदी बनाए गए पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया था। 27 अगस्त 2003 को 60,000 वर्षों के अंतराल के बाद मंगल पृथ्वी के सबसे नज़दीक पहुँचा। आज के दिन यानी 27 अगस्त 2006 को भारतीय फिल्मों के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का निधन हुआ था। वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के माथुर को सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। 27 अगस्त 2008 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन ने झारखंड के 6वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मीडिया अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।